गुजरात उपचुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। इस वक्त बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं उस पीसी का। अध्यक्षों को जो चुनाव में लगे कार्यकर्ता हैं उनको बधाई देना चाहते हैं कि गुजरात में बिना मुख्यमंत्री के दौरा बिना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा किए हुए गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 के 6 सीट जीत लिए। बिहार की तरफ से और देश की तरफ से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुजरात में बधाई देना चाहेंगे, हमारा ऐसा मानना है। बिहार में हम बहुत चिंतित हैं, हम बहुत परेशान हैं और ये इतनी बड़ी हार हमारे लिए और निश्चित रूप से एक बड़ी निराशा है, बड़ी चिंता है, बड़ी कठिनाई है। हम सब चिंतित हैं, जितने जनता दल यूनाइटेड के लोग चिंतित हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे कहीं चिंतित हैं। और कहीं और कहीं ऐसा लगता है कि आज बिहार को हम देश से अलग नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता आगे जाएं और विशेष करके लोकसभा चुनाव के पूर्व इस प्रकार का हार हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं देते। हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं और मुझे लगता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भी आवश्यकता है बिहार में, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी भारतीय नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनावों के दृष्टिकोण से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है, जनता दल यूनाइटेड को भी बिहार में आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है क्योंकि आने वाले चुनाव देश के चुनाव होंगे। बिहार में हमारा मजबूत गठबंधन है, हमारी अच्छी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छी सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश के लिए बिहार में भी एक सबल नेतृत्व की आवश्यकता है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को भी भारतीय जनता पार्टी के सबल नेतृत्व का की आवश्यकता है बिहार में, हमारा ऐसा मानना है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और हम स्वागत करते हैं, उन्होंने महसूस किया है, लेकिन ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे मतों की संख्या वही रही है, ये सीट वैसे भी आरजेडी के पास था, उसे वापस गया है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसका हम विश्लेषण करके सरकार में, कई लोगों ने आप सवाल हो सकता है पूछे कि शाही जी ने कुछ बयान दिया, वो चुनाव के हार के बाद कुछ कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो प्रासंगिक है। और ऐसा भी नहीं होता तो कि जीते तो आपका और हारे तो हमारा, ऐसा भी नहीं होता। मुझे लगता है कि कई बार चुनाव, हम भी कई बार चुनाव हारे हैं, कई बार जीते हैं, उत्साह हर का अलग अलग होता है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी को आप सुन रहे थे। एक तरफ गुजरात में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि महाराजगंज में हार से सबक लेने की जरूरत है और ये एनडीए की हार है, यानी कि कहीं न कहीं जेडीयू का बचाव करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी नजर आ रहे थे।